सब लोग, मेरी तो बैटरी बिल्कुल हुई पड़ी है डाउन डाउन, इसलिए टाइम देखो 4 o'clock शाम के बज रहे हैं 4 और मैं अब घर के अंदर आई हूँ, मैं ही नहीं अंश भी, और हम लोग इतनी बुरी तरह थक गए हैं क्योंकि आज फिर बैंक जाना था इसके लोन से रिगार्डिंग, और आज भी काम नहीं हुआ, होते होते काम रह गया, इतना सा बचा था, इतना कभी सर्वर डाउन हो रहा है, कभी कोई पेपर, आई डोंट नो, बहुत ही ज़्यादा आज तो इरिटेशन हो रही है। इस पेपर में प्रिंटिंग हो गई, वो पेपर एक जाता है, अब दूसरे पेपर में प्रिंटिंग होगी। हाँ, इतने सारे प्रिंटिंग करे थे उन्होंने मैडम ने, और हर पर मेरा साइन, अंश का साइन, मेरा साइन, अंश का साइन, हमने सब कुछ रेडी कर दिया था, मैडम ने भी सब कुछ रेडी कर दिया था। एक तो बार बार वहाँ का सर्वर डाउन हो रहा था, कुछ बैंक इस पर इशू हो रहा था, नेटवर्क इशू, बहुत मुश्किल वो चलने लगा, तो एंड में पता चला जब उन्होंने अपने सीनियर्स को कंसल्ट किया तो कि जिस A4 शीट पर उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट निकाले हैं वो ठीक नहीं है। अब वो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा निकलेंगे और फिर वो सारा पेपर वर्क दोबारा बनेगा और फिर उसमें हमारे साइन दोबारा होंगे, मैं और अंश दोबारा जाएंगे, हो सकता है अभी जाएं। हाँ, उन्होंने आखिर हार कम से यूं भी कह दिया कि आप 1:30 भी आएंगे। मैं कभी भी बुला सकती हूँ। मैं 1:30 स्कूल का ऑफ होते ही बैंक चली गई थी, तो अब उनको तरस सा भी आ गया, बोले आप लोगों ने लंच कर रखा है या नहीं, तो हमने कहा हाँ हाँ कर रखा है, क्योंकि हमें तो अपना काम करवाना था ना, तो फिर एंड में उन्होंने हमसे यही कहा कि अगर आपका घर ज़्यादा दूर नहीं है तो आप चले जाओ, अगर आपकी नीड होगी और आज ये सारा काम हो जाता है तो हम आपको बुला लेंगे। आज का दिन भी गया, चलिए ठीक है। यह वो इसका पेपर था आज। अंशतन में अकेला घर आया, उस बेचारे ने मुझे लगता है अभी खाना खाया, क्योंकि बर्तन एज इट इज बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं ना, वो तो मैं ही उठाऊंगी। बर्तन में पेपर कैसा रहा? चलिए बात करते हैं। एक चीज दिखा रही हूँ आपको, जरा ध्यान से देखना, ठीक है? ये हमारा तन्मय है और ये इनकी पढ़ाई हो रही है, और ये इनकी पढ़ाई हो रही है। अभी तक कार्टून देखते हैं मेरा बेटा, कल है कल मॉरल साइंस का एग्जाम है। हाँ जी, क्या? हाँ हाँ, ये अभी शाखा से आए हैं भाई साहब, 1 घंटा वहाँ लगा कर। तन्मय, अरे देख लो, मुझे ध्यान रखने दो प्लीज, देख लो। हाय फ्रेंड्स, हम कुछ लेडीज के ना कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट बोले गए हैं, जैसे कटहल काटना, साग साफ करना और अरबी छीलना। अरबी छीलना भी एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी ट्रिक जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में आधा से 1 किलो अरबी इजिली छील सकते हैं। जैसे मैंने अभी अरबी ली है, मैंने इस अरबी को कुकर में हल्की सी विसल, मींस पूरी विसल नहीं दिलवाई मैंने इसको, मैंने इसको सिर्फ जब तक कुकर में सीटी का साउंड आता है ना, सुर 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 सुर, बस तब तक ही विसल दिलवाई और बंद कर दिया। उसके बाद प्रेशर निकलने के बाद जब मैंने अपनी इस अरबी को निकाला और इसे पानी से ठंडा कर लिया, अब आप देखिए विद इन 1 सेकेंड मतलब इतनी स्पीडली ये अरबी छिलेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी सारी अरबी भी मैंने जो छीली है, जब तक मेरे चावल और राजमा गर्म हुए तब तक मेरी इतनी अरबी छिल गई। देखिए सिंपल सी ट्रिक, जब आप अपनी अरबी को हल्की सी सीटी दिलाकर करते हैं ना, तो इसका आगे से इतना सा पॉइंट खोलना है और पीछे से इसे पुश करना है। इतनी ईजिली ये अरबी छिलती, आगे से थोड़ा सा पॉइंट खोलना है और पीछे से इसे पुश करना है, पूरी अरबी निकल जाएगी। इतना ईजी ट्रिक है ये, विद इन 5 मिनट में आप 1 किलो के करीब अरबी ईजिली छील सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं, कहते हैं ना अरबी छीलते हैं खुजली हो जाती है हाथ में, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, इससे करने से आप इसे सूखी अरबी भी ईजिली बना लेंगे और रसे वाली अरबी भी ईजिली बना लेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है, करके देखिएगा विद इन 5 मिनट 1 किलो अरबी। दांत तोड़, दांत, अबे दांत तोड़, इससे ना टूट रहे तो तू तोड़ दे बे। अबे तू तोड़ दे इसके दांत, अबे तुझे क्या मिलेगा बे, ये दांतों का अस्पताल मेरा ही तो है। देखा आपने जो अभी अभी आपके 2-3 क्लिप्स देखी होंगी,
ये उस बिजी शेड्यूल में से जब हम बहुत बिजी होते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड काम कर रहे हों, चाहे हम क्रॉस चेकिंग कर रहे हों, चाहे स्कूल का वर्क कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, चाहे हम घर में भी बहुत ज़्यादा बिजी हों, व्यस्त हों, टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आपको 2 मिनट का भी टाइम मिलता है ना, प्लीज़ उसमें ही इंजॉय कर लिया कीजिए। मत वेट करो कि कभी टाइम आएगा तो हम इंजॉय करेंगे, टाइम आएगा तो हम वहाँ घूमने जाएंगे। नहीं आ रहा ना टाइम, इट्स ओके, जो टाइम मिल रहा है ना उसी में ही इंजॉय कर लीजिए। 2 मिनट्स की खुशियाँ हैं, इन्हीं खुशियों से ही हम अपनी एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अगर इन सबको ही वेट करने लग गए ना कि कभी पैसा होगा तो हम गोवा जाएंगे, जी हम बाहर जाएंगे, अरे नहीं जा पा रहे गोवा, नहीं जा पा रहे बाहर, मथुरा वृंदावन ही चले जाओ, हरिद्वार ही चले जाओ, मसूरी ही चले जाओ, नैनीताल ही चले जाओ, छोटी छोटी जगहों पर भी खुशियाँ मिल जाती हैं। और अपनी खुशियों को ज़रूर इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के संग, अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई करिए, ये वाली ट्रिक भी बहुत काम आती है। कहते हैं कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे को ही जगमगाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आँखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ इन हसीन होठों से, काम ले कुछ इन हसीन होठों से, बातों बातों पे मुस्कुराया कर। धूप मायूस होकर लौट जाती है, धूप मायूस होकर लौट जाती है, किसी बहाने छत पर तो जाया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर, खुद को इतना मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दैट्स मीन्स कि छोटे छोटे टाइम, छोटे छोटे पल, छोटी छोटी खुशियाँ को भी इंजॉय कीजिए। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में रहनी है, अप डाउंस तो होता ही रहेगा, हमें उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। बी पॉजिटिव। और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग और ये वाली पोयम कैसी लगी ये भी बताना, ठीक है? और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इन्जॉय योर लाइफ। बहुत छोटी लाइफ है, जितना भी टाइम मिले इसे इन्जॉय कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब प्लीज़।